तो यूनरी ऑपरेटर किस तरह से अप्लाई इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले वो स्क्रिप्ट का कोड कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट समझने के लिए, और यहाँ पर हम इसको भी देखते हैं किस तरह ये काम कर रहा है। तो यूनरी ऑपरेटर में हम पहले यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10 कर देते हैं और लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं, समझने के लिए दो वेरिएबल्स हमने ऑपरेंड ले लिए। अब इस पे देखिए, यहाँ पर जब हम यूनरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो मैं यहाँ पे दो कोट्स लगा के पहले इसका एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ए प्लस प्लस लिख देता हूँ, ताकि आपको इसका आउटपुट पता चल जाए। तो मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस प्लस का क्या आउटपुट आना चाहिए, तो ये आपको ये डिस्प्ले करेगा वेब पेज के ऊपर। यहाँ से हम अगर रिफ्रेश करके यहाँ चेक किया तो क्या ऑप्शन आ रहा है, 10। अब इसमें प्री एंड पोस्ट की बात होती है। प्री एंड पोस्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर ये ऑपरेटर आप आगे लगा रहे हैं तो ये कहलाएंगे सपोज टू बी ए प्लस प्लस, तो ये है पोस्ट ऑपरेटर, यानी कि इंक्रीमेंट तो है लेकिन इंक्रीमेंट के साथ क्या है, पोस्ट, पोस्ट माने बाद में। और अगर आप ये लगा रहे हैं पहले और फिर लिख रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीमेंट तो है लेकिन ये क्या है, प्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया, सेट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लें, तो ये देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब ए की वैल्यू 10 आ रही है, तो इस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके आपने कहा कि सर तो इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सपोज टू बी, और यहाँ पे आप ए की वैल्यू को जज करते हैं, तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे क्या आ रही है, 11 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बी आर, और यहाँ पे कॉमा लगा के उस बी आर को कम्प्लीट कर देता हूँ, ताकि ये इस तरह से नजर आ जाए, ठीक है। तो रिफ्रेश कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये देखिए, तो ए की वैल्यू 10 आ रही है और यहाँ पे अगली लाइन पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। हालांकि यहाँ पर देखें, हमने ए की वैल्यू को मैंने कहीं अपडेट ही नहीं किया, ना असाइन किया, लेकिन क्या हुआ, इस यूनरी ऑपरेटर ने प्लस प्लस की वजह से जैसे यहाँ कोड चला, कोड चल के यहाँ पर आया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू उसने कर दी थी क्या, 11, लेकिन यहाँ पर 10 थी, इसके बाद उसने उसको किया 11, इसलिए अगली लाइन पर जब मैंने उसको दोबारा आउटपुट लिया तो उसने मुझे इसका आउटपुट क्या दिखाया, 11। ये काम था पोस्ट ऑपरेटर का, यानी कि हमने यूनरी तो लगाया, यूनरी और इंक्रीमेंट भी किया, और उसके साथ हमने किया पोस्ट, मतलब वेरिएबल के आगे हमने उसको प्लस प्लस किया, तो वो करेगा सही लेकिन नेक्स्ट लाइन पर, अगली लाइन पर, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम प्री में करके देखें, तो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने ब्रेक तो लगा हुई ऑलरेडी, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे तो इसका यूनरी इंक्रीमेंट था। अब हम इसको करते हैं प्री में, प्री में जब आप करेंगे तो आप नोट करेंगे कि मैं यहाँ पे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेशन भी डाल रहा हूँ माइनस माइनस, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, और नेक्स्ट लाइन पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो नेक्स्ट लाइन पे भी 10 आ रहा है, सॉरी प्लस प्लस लगाना है ना, तो अब देखें आउटपुट क्या आ रहा है, पहली लाइन पे 12 हो गया, मतलब 11 यहाँ पर था तो उसने पहले ही 12 कर दिया, और अगली लाइन पे भी वो 12 दिखा रहा है। तो पोस्ट एंड प्री में सिर्फ फर्क ये हुआ कि पोस्ट में वो इंक्रीमेंट करेगा लेकिन शुरू में आपको वैल्यू वही दिखाएगा जो उसकी एग्जैक्ट है, फिर जब वो कोड आगे चला जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे जब आप उसका आउटपुट लेंगे तो वो आपको उसमें एक एडिशन करके नंबर दिखाएगा। अच्छा, अब जब एडिशन हो गया यानी कि उसमें असाइन भी हो गई वैल्यू, तो फिर जब ये एडिशन हो गया तो फिर अगली जगह पे जाके जब आप उसको दोबारा आउटपुट लेंगे तो सेम नंबर दिखाएगा, लेकिन अगर आप प्लस प्लस पहले लगा देंगे तो वो पहले प्लस करेगा फिर आउटपुट दिखाएगा, यहाँ पे पहले आउटपुट दिखाएगा फिर प्लस करेगा, और यहाँ पे पहले क्या करेगा, प्लस करेगा और फिर आउटपुट दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका नंबर क्या आ रहा है, 12, और यहाँ पे क्या आ रहा था, 10, सही। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली अगर आप इसको डिक्रीमेंट में देखना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको पास करेंगे और इसको यहाँ पे जाके माइनस माइनस पोस्ट में लगाएंगे, तो यहाँ पे जाके हम बी के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि बी माइनस माइनस कर देते हैं और यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह लिख देते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, डीसीआर डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया बी माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस माइनस बी, ठीक है। पोस्ट एंड प्री दोनों देख लिया आपने, तो अब क्या करेगा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आउटपुट पे देख लेते हैं, असाइन की 20, तो देखिए रिफ्रेश करते हैं, तो पहले उसने बी की वैल्यू 7 दिखाई 20, लेकिन अगली लाइन पे उसने हमें आउटपुट दिया उसका क्या, 12, क्योंकि ए क्या आ रही है ना, बी ने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आउटपुट नहीं गया, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे 20 थी, जब अगली लाइन पे आउटपुट लिया तो क्या हो गई, क्योंकि पहले आउटपुट दिखाया फिर उसने इसमें से माइनस कर दिया 1, और फिर जब अगली लाइन पे देखा तो उसने पहले माइनस कर दिया और फिर आउटपुट दिखाया तो क्या हो गई, 18, और फिर उसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे भी 18 रही। तो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर्स जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए काम में आते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंट रिक्वायर्ड होता है, दो ऑपरेंट रिक्वायर्ड नहीं होते,